पौष्टिक पकवान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ पालक की एक बहुत ही हेल्दी और क्विक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब भी हम दाल पालक बनाते हैं तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन मैं आपको आज जो रेसिपी बताऊंगी उसमें आप फटाफट से दाल पालक बना के खा पाएंगे और उतना ही टेस्ट आएगा और काफ़ी जल्दी बनेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं दाल पालक कैसे बना रही हूँ। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। जब हम दाल पालक बनाते हैं तो पहले उसको बॉईल करते हैं, फिर अलग से देसी घी में तड़का देते हैं, तो मैं इसीलिए इसको पहले से देसी घी में तड़का देके बना रही हूँ। तो देसी घी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। एक टीस्पून यहाँ पर मैं जीरा ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने होममेड देसी घी लिया है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि अलग से हमने दाल पालक बॉईल किया, अलग से तड़का, दोनों काम हम एक साथ ही करेंगे। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये दाल पालक ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप पहले बॉईल करते हैं फिर ऊपर से तड़का देते हैं तो मसाले उसमें इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा और काफ़ी टेस्टी बनता है और हेल्दी तो रहता ही है। जीरा अच्छे से सीख चुका था तो यहाँ पर मैंने लहसुन ऐड कर दिए और यहाँ पर मैं प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप दाल पालक में प्याज पसंद करते हैं तो फिर लहसुन के बाद आप इसमें एक प्याज कट करके भी डाल सकते हैं। लहसुन को थोड़ा अच्छे से हम भून लेंगे, लहसुन कच्चे नहीं रहने चाहिए। लहसुन भी अच्छे से भून चुके हैं तो यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च कट करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और जब आप ये रेसिपी तैयार करते हैं तो आपके दो बर्तन खराब नहीं होते हैं, आपका सिर्फ एक कुकर में बनके तैयार हो जाता है। मैंने दो बर्तन इसलिए बोला है कि पहले हम दाल पालक को कुकर के अंदर बॉईल करते हैं और फिर अलग से तड़का देने के लिए हम कढ़ाई का यूज़ करते हैं, तो उसमें दो बर्तन ख़राब होते हैं। और आप इस तरह से बनाएंगे तो सिर्फ एक कुकर का ही यूज़ होगा और हमारा बहुत टेस्टी सा दाल पालक बनके रेडी हो जाएगा। तो मिर्ची भी अच्छे से भून चुकी है तो मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। हींग को हमको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि काफ़ी जल्दी जल जाती है। अब इस समय पर यहाँ पर मैंने दो सूखी लाल मिर्च ली है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग दाल पालक अलग से बनाना चाहें कि भाई पहले आपको बॉईल करके बनाना है, तो फिर आप सिर्फ दाल पालक को कुकर के अंदर बॉईल कर लें नमक और हल्दी डाल के, और फिर बाद में यही वाला तड़का तैयार करके और आप दाल पालक के ऊपर डाल के भी बना सकते हैं। तो मिर्ची भी अच्छे से भून चुकी है तो इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब इन टमाटर को हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम कुकर में सीटी लेंगे तो ये टमाटर भी बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। वन टीस्पून इसमें मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। दो टीस्पून पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया अगर आप डालते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैं इसमें पिसा धनिया ऐड नहीं कर रही हूँ। एक टेबल स्पून यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। ये रेसिपी और जल्दी कैसे तैयार हुई तो उसके लिए मैंने दाल को गला के रखा था, इसको मैंने वॉश करके और आधे घंटे के लिए गला दिया था। तो इससे हमको सिर्फ हम एक विसल लेंगे और हमारा दाल पालक बनके रेडी हो जाएगा।
तो ये दाल भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धुली हुई मूंग की दाल ली है, जिसको मूंग मोगर भी बोलते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं मूंग की, या फिर आप धुली हुई उड़द की दाल के साथ भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें ये कटा हुआ पालक ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पालक भी इसमें ऐड कर दिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और पानी अभी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, थोड़ी सी देर बाद में इसमें पानी ऐड करूँगी, पालक बैठ जाएगा नीचे, उसके बाद फिर पानी की क्वांटिटी हमको इसमें कितनी डालनी है ये देख कर और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ढक्कन से इसको ढक दिया है सिर्फ, ताकि पालक बैठ जाए और उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए ढक्कन को मैंने हटा दिया है और आप देख रहे हैं कि पालक नीचे अच्छे से सेटल हो चुका है। ऐसा करने से हमको पता लग जाता है कि हमको इसमें कितना पानी डालना है, क्योंकि पालक भी अपना पानी रिलीज करता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पालक ने काफ़ी सारा अपना पानी रिलीज किया है। अब इसमें यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। क्योंकि अभी दाल भी पकेगी तो पानी इसमें थोड़ा और ऐड कर देती हूँ। पूरा एक गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं सिर्फ एक विसिल लूंगी, एक विसिल के अंदर दाल पालक बनके रेडी हो जाएगा। इस रेसिपी का ये भी फायदा है कि जो लोग थोड़ा कम घुटा हुआ पसंद करते हैं तो सिर्फ एक विसल लें, और जो दाल पालक ज़्यादा घुटा हुआ पसंद करते हैं तो फिर तीन विसल लें। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक विसल लूंगी और हमारा दाल पालक बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक विसल आ चुकी थी और गैस मैंने ऑफ कर दी है। ये देखिए सिर्फ मैंने एक विसल ली है और ये दाल पालक बनके बिल्कुल रेडी है। देखिए इसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। बस ये है कि पानी आप लोगों को कितना लेना है, अगर आप ज़्यादा पानी पसंद करते हैं इसमें तो आप ज़्यादा डालिए, और अगर और कम पसंद करते हैं तो और कम डालिए। ये देखिए अब इसमें हमको डबल तड़का देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हमने तड़का दे चुके हैं इसमें अच्छे से देसी घी से, और सारी हमने इसमें सामान जो डालते हैं दाल पालक में डाल दिया है। अगर आप लोग चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी लास्ट में ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। तो दाल पालक रेडी है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दाल पालक बनके बिल्कुल रेडी है और बहुत ही अच्छा बना है। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा देसी घी और डालूंगी, क्योंकि दाल पालक में जितना आप घी डालेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा और इससे और ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। तो ये हमारा दाल पालक बनके रेडी है। आप इसको चपाती इसके साथ लें, आप इसको राइस के साथ लें, आप जिसके साथ भी लेना पसंद करते हैं, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, जिसके साथ आप इसको खाते हैं तो बनाकर खाइए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।